नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। भुट्टे और भुट्टे से बनी हुई हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो भुट्टे की पकौड़ी हो या किस। तो चलिए, आज हम भुट्टे से एकदम नया नाश्ता बनाने वाले हैं, जो खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही ये बहुत ही कम तेल में बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो भुट्टे लिए हैं और इन भुट्टों को पहले हमने अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब हम इन्हें पहले कद्दूकस कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भुट्टे हम ले रहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से दबाने पर ये अच्छे से दब जाने चाहिए दाने, जिसे कि हम दुधिया भुट्टे भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों भुट्टों को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई सौंफ, एक चुटकी हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक चौथाई छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार, यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच नमक ले रही हूँ। और इसमें हम डाल देंगे धनिया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, आप यहाँ पर बेसन की जगह सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और मिलाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसका घोल तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका घोल बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। और इस घोल को तैयार करने में लगभग हमें 1.5 गिलास पानी लगा है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल और एक बार फिर से इसे मिला लेंगे। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, जिसे कि हम मीठा सोडा भी कहते हैं, और मिला लेंगे। इसके बाद हम गैस पर रख देते हैं अपम तवा और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके और ये घोल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा घोल हम इसमें नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नारियल का बूरा, आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं इसमें। और फिर से हम इसके ऊपर घोल डाल देंगे और इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। नारियल का बूरा डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसे घोल में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से एक बार इसे बीच में लगाकर देखिए, इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे अप्पे कितने अच्छे से फूल चुके हैं। एक बार हम पहले इस पर हल्के सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेक कर लेते हैं इसे एक बार। तो आप देखिए एक तरफ से कितने अच्छे से सीख चुका है ये। अब हम इसे पलट लेते हैं और फिर से इसे ढक करके पकने देंगे। करीब 3 मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए दोनों ही तरफ से कितने अच्छे से सीख चुके हैं। तो बस अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें गैस से उतार लेते हैं। तो लीजिए हमारे भुट्टे के अप्पे बनकर के तैयार हैं। तो आप इन्हें गर्मा गर्म ही फ्राई हरी मिर्ची के साथ या सॉस के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आप ऑयली खाना कम पसंद करते हैं तो इस तरीके से आप भुट्टे का नाश्ता बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।